हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की आर्थिक हालत किसी से छुपी नहीं। ऐसे में कोई इन किसान की खून पसीने की कमाई को ठग ले तो क्या कहना। राजस्थान पुलिस ने भिवानी के लोहारू क्षेत्र से एक ऐसे ही ठग को गिरफ्तार किया है जो किसानों की फसलों के 55 लाख रुपए लेकर फरार था। राजस्थान की पिलानी पुलिस की गिरफ्त में आया ये पाबू दान सिंह नामक व्यक्ति देखने में बहुत ही गरीब है, भोला भाला लगता है, लेकिन असलियत में ये बहुत ही बड़ा शातिर ठग है। ठगी भी किसी लखपति या करोड़पति से नहीं बल्कि गरीब किसानों के साथ की है। राजस्थान पुलिस की माने तो इसने किसानों की फसल खरीदी और उनके पैसे देने के समय फरार हो गया। राजस्थान की पिलानी पुलिस ने इसे काफी तलाश किया लेकिन यह नहीं मिला। इसके बाद इसे वांछित अपराधियों की सूची में डाला और इसका पता बताने पर 2,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई। साथ ही तलाश न होने पर इसे टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल किया गया। करीब 4 साल बाद इस ठग को पिलानी पुलिस ने लोहारू क्षेत्र से गिरफ्तार किया। राजस्थान की पिलानी पुलिस के DSP प्रताप मलकेडिया व पिलानी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मदन कड़वासना ने बताया कि पिलानी क्षेत्र के गांव दुदुआ निवासी पाबू दान सिंह किसानों से उनकी फसल खरीदता था। जब किसान उसकी फसल के दाम मांगते तो वह आनाकानी करने लगता। जब उसने करीब 55 लाख रुपए की फसल खरीद ली और आगे बेच दी तो वह किसानों के पैसे दिए बिना ही फरार हो गया। उन्होंने बताया कि 2015 में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था और तलाश न होने पर टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में इसका नाम शामिल कर 2,000 रुपए का इनाम रखा गया था। जो है पाबूदान सिंह है, सन ऑफ संतु सिंह, ये दुदुआ थाना पिलानी क्षेत्र का अपराधी है। वर्ष 2015 में इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, तब से ये फरार हो गया। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि आसपास के गांवों से विभिन्न जिन्स अनाज खरीद लेता और उनके पैसे इसने नहीं दिए। इस तरह करके इसके विभिन्न 7 मुकदमों में ये वांछित था। 2015 से ये फरार हो गया। इसके विभिन्न मुकदमे दर्ज हुए, कुछ मुकदमों में हम चालान कर चुके। जो 5 मुकदमे धारा 299 CRPC में, उसमें माननीय न्यायालय को ये अदालत में वांछित था। इसी तरह कुछ 2 प्रकरण इसके विरुद्ध अभी भी हमें अनुसंधान किया जाना है, वो धारा 173(8) CRPC के तहत हमारे लंबित है। इस तरह ये कुल 7 प्रकरणों में, विशेष प्रकरणों में वांछित था। इसने लोगों से जींस लेके और धोखे की नेत से उनको बेच दिया और पैसे उनको लोगों को नहीं लौटाए। इस तरह की लगभग 55 लाख रुपए की इसने धोखाधड़ी की है। कि लोहारू कस्बे की सीमाएं राजस्थान के पिपली क्षेत्र से लगती हैं। ऐसे में कई बार अपराधी यहां से वहां और वहां से यहां आ जाते हैं। दूसरे राज्य की सीमा में जाने पर पुलिस के लिए उनकी तलाश कर गिरफ्तार करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरे राज्य में अपराधी कोई नहीं पहचानता। ऐसे में पुलिस के सूत्र भी नाकाम हो जाते हैं। बावजूद इसके किसानों से लाखों की ठगी करने वाले इस ठग की गिरफ्तारी पिलानी पुलिस की बड़ी कामयाबी।